बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों की बहुत फरमाइश पर गले का डिज़ाइन लेकर आया हूं। बनने के लिए आ गया मेरे पास ये डिज़ाइन। देखें, आज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन है। काफ़ी लोग मुझसे इस गले की फरमाइश कर रहे थे। वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि ये गला एक ही वीडियो में आप आसानी से बनाना सीख जाए। ध्यान से सीखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सीख जाएंगे। इस गले को जब भी बनाएं, आप बोर्ड शेप के गले पर बनाएं, आपने डीप गला नहीं बनाना वरना काफी बड़ा हो जाएगा। देखें, 7.5 इंच का ये डबल में मैंने पेपर बुकरम का पीस लिया इसकी कटिंग के लिए, ठीक है। इसकी हम चौड़ाई रखेंगे 20 से 21 चेस्ट तक। देखें, गले की चौड़ाई हमने रखनी है 8.5 इंच की, तो 4.25 इंच का ये निशान लगाएंगे। दूसरा निशान भी हम 4.25 इंच का लगाएंगे और दोनों निशानों को इस तरह हमने मिला लेना है, ठीक है। अब हमने लगाना है इसकी जीप का निशान 4 इंच, आप 4.25 भी कर सकते हैं इसको अगर आप बनाना चाहें तो, क्योंकि जिनका ये गला है वो ज्यादा डीप नहीं पहनती, वैसे 21 चेस्ट वाले 4.25 भी कर सकते हैं। और इसको हमने इस तरह बर्ड नेक का शेप देना है, देख लें आप बिल्कुल इस तरीके से। गले की कटिंग ये हो चुकी, गले का शेप मैंने दे दिया, मार्किंग हो चुकी है। इस गले को हमने यहाँ पर से पहले ही कटिंग कर लेना है, देखें इस तरीके से। चाहे तो आप बाद में भी कटिंग कर लें इसको पूरा डिजाइन बनाने के बाद, पर मुझे आसान लगा कि मैं पहले कटिंग कर लूं, तो इस वजह से देखें मैंने पहले ही इसको कटिंग कर लिया है। नोट करें, ये देखें, ये आइस टाइप का एक लीफ मैंने लिया, दोनों साइडों से एक जैसा 2.5 इंच लंबाई है इसकी, ये मैंने कटिंग किया है, मैं अभी आपको बता देता हूं। और 1 इंच है इसकी चौड़ाई, देखें ये इस साइड से भी बराबर है, और इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहां से भी बराबर है और इस जगह से भी बराबर है। इस तरह का आप कोई भी एक कागज पर ये लीफ बना लें। और फिर देखें, इसको हमने डबल करके रखना है, पहले यहां से 1 बूट नीचे, ये जो गले की हमने कटिंग की है उससे तकरीबन 1 बूट नीचे हम इसको रखेंगे, और इस तरीके से पहला लीफ हमने सेंटर वाला डबल कागज का ये ड्रा करना है। फिर देखें, यहाँ से 1 बूट है तो यहाँ से भी 1 बूट ही रखेंगे। ये तकरीबन हमने जितने भी इसमें लीफ बनाने हैं इस तरह से 1 बूट की हमने देखें लाइन लगा ली। अब हम 1 बूट के हिसाब से इसको नीचे रखेंगे और एक लीफ से दूसरे लीफ में 0.5 इंच का फर्क रखेंगे। देखें, बिल्कुल इंच टेप से मैंने नाप लिया, एक लीफ से दूसरे लीफ में हमने 0.5 इंच का फर्क रखना है, यानी कि जितने भी हम इस जगह पर ये पत्तियां बनाएंगे इसको हमने 0.5 इंच दूर बनानी है, बिल्कुल इस तरीके से। यहां से देखें 0.5 इंच दूर, इन सबको हमने इस तरह ड्रा करनी है। टोटल 9 पत्तियां हम इसमें बनाएंगे, यानी कि 4 इस साइड, 4 उस साइड और एक बीच की 9। ये देखें, ये हमने गैप एक जैसा रखना है, अगर आपने गैप कम ज्यादा कर दिया तो ये अच्छा नहीं बनेगा। देखें, एक जैसा गैप है, ये मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। अब ये जो जाया करने वाली बुकरम है ये पत्तियों के बीच बीच की, इसको हमने इस तरह प्रेस की नोक से चिपका लेना है ताकि गला कटिंग करते वक्त गला इधर उधर ना हो और आड़ा टेढ़ा ना कटे। देखें इस जगह से, ये हमने सब जगह से इसको चिपका ली। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। पहले बढ़ता बढ़ता हमने तकरीबन पत्ती की नोक से 1-1 इंच बढ़ता हुआ इसको इस तरह कटिंग कर लेना है बुकरम को। ये देखें, अब हमने इन पत्तियों की कटिंग करनी है। देखें किस तरह गला ये चिपक चुका है बीच बीच में से पत्तियों वाली जगह से, तो ये अब ये हिलेगा नहीं, सरकेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी पकड़ाई में आ जाएगा हाथों से। देखें पकड़ने का तरीका, ये मैंने किस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है बुकरम को, इस तरीके से आपने पकड़कर इसको कटिंग करना है, तो ये बिल्कुल बराबर बराबर कटेंगी। नोट करें, ये सबको हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखें, सारी मैंने ये कटिंग की। अब आप इस गले का शेप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बन चुका है। अब ये देखें, 0.5 इंच दूर मैंने इस जगह पर ये मार्किंग कर ली है, इसको हमने इस तरह 0.5 इंच दूर जो मार्किंग की है इस मार्किंग से हमने इस तरह कटिंग करना है। गले को पकड़ने का तरीका देखें, किस तरह पकड़ के मैं कटिंग कर रहा हूँ, इससे गला आपका आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा हर जगह से दबाव रहेगा बुकरम का। नोट करें, देखें हर तरीके से आप देख लें किस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करना है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद एक और गले की वीडियो आएगी मेरी, वो भी बहुत खूबसूरत गला है, वो भी देखिएगा, बहुत अच्छा नेक डिजाइन है। देखें कटिंग हो गई है, इसको हमने डायरेक्ट शर्ट पर रखकर चिपकाना है, देखें इस शर्ट पर।
जो इसकी शर्ट है उस शर्ट पर देखें हमने इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर अच्छे से चिपका लेना है। गला चिपकाने का तरीका देखें, कभी भी बबल्स नहीं बनेंगे, इस तरफ से भी हमने प्रेस लगानी है फ्रंट साइड से। अच्छे तरीके से ये गला देखें चिपक चुका है। अब हमने करना क्या है, इस पत्ती का जो ये अंदर का दबाव है इसको हमने बाहर की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ पर हम नोक पर डीप कट लगाएंगे, इस जगह भी और इस जगह भी, बिल्कुल इस तरीके से, और बीच बीच में भी हमने डीप कट लगाने हैं इसमें। और ये ग्लू है मेरे पास, फैब्रिक ग्लू, ये बाजार में स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है आसानी से। देखें इसको हमने इस तरीके से लगाना है और इस कपड़े को ऐसे करके टर्न करना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ टर्न करना है, आपने इसके धागे वगैरह नहीं दिखाने। देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये बहुत जल्दी बनते हैं ये, इस तरीके से हमने इन सबको ऐसे ही टर्न कर लेना है, पकड़ पकड़ कर, काट काट कर। ये देखें सब ये टर्न हो चुके हैं, गला तकरीबन आधा तैयार हो चुका है। नोट करें खूबसूरती, देखें सारी पत्तियां एक बराबर है बिल्कुल। अब ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है, इसको देखें मैंने किस तरीके से सेंटर का निशान इसमें लगा लिया ऑर्गेन्जा पर। इसको हमने गले पर इस जगह रखना है और यहाँ से सिलाई उठानी है और इस जगह सिलाई लेके जानी है। पहले बीच की सिलाई लगाकर हम ऑर्गेन्जा को रोक लेंगे इस पर। आज मैं ऑर्गेन्जा लगाना बताऊंगा, कितनी फिनिशिंग से लगेगा देखिएगा आप। जरा सा भी ये टेढ़ा नहीं होगा, कहीं से भी कोई झोल वगैरह नहीं होगा। देखें पहले हम इस तरीके से गले को टर्न कर लेंगे बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगाकर इस तरीके से। देखें यहाँ पर हमने इसको लगाया, अब इस जगह पर हमने एक बूट का दबाव छोड़ना है बस इस जगह पर, ताकि इन पत्तियों से नजर ना आए, इन पत्तियों के ऊपर वाले बुकरम के पीस पर ही ये दबाव कवर हो जाए। इस तरीके से हमने एक बूट का दबाव छोड़ा और यहाँ पर कट लगाकर इसको कर लेंगे हम टर्न। टर्न करने का तरीका देखें, पहले हमने करना है इसको प्रेस से टर्न, ऐसे जमा जमा कर टर्न करेंगे ताकि ऑर्गेन्जा फ्रंट साइड पर नजर ना आए। देखें इस तरीके से, देखें कितनी खूबसूरती से टर्न हो चुका है, ऑर्गेन्जा बिल्कुल नजर नहीं आ रही, इस जगह से बिल्कुल छुप चुकी है। देखें बहुत फिनिशिंग से ये टर्न हो चुका है। इस तरीके से टर्न करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छा सा ये गला बनाएंगे। अब आप ऑर्गेन्जा को रोकने का तरीका देखें, इसमें झोल नहीं आएगा। ये देखें पहले हमने इस कपड़े को कर लिया हल्का यहां से, अब ये ग्लू है मेरे पास, ये दूसरा ग्लू, ट्यूब ग्लू जो होता है, यहां पर हमने हल्का हल्का सा ये ग्लू लगाना है सब जगह पर। देखें सारी जगहों पर हम लगा लेंगे और फिर इस तरीके से हमने इसको चिपका लेना है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कितने अच्छी तरीके से, देखें चिपक चुका है, बहुत अच्छी तरीके से ये चिपक चुका है। अब गले पर लगानी है हमने इसके जीपीओ लेस, तो पहले इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। देखें कोई झोल नहीं है पत्तियों में, ये जीपीओ लेस आप देख लें, ये हमने इसको पहले से ही ग्लू से लगा लेना है। ये नए सीखने वालों के लिए बहुत आसान तरीका है, अक्सर ऐसा होता है लेस गले से निकल निकल कर बाहर आती है तो कम ज़्यादा दबाव हो जाता है, तो आप लोग पहले से ही इसको इस तरीके से चिपका लेंगे तो लेस एक जैसी लगेगी, बिल्कुल एक जैसा दबाव देखकर आप इसको चिपकाएं। देखें जो भी कोई कम ज़्यादा हो आप इसको अभी गीले गीले में सेट कर सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, चलते हैं मशीन पर, मैं आपको इसका सिलाई लगाने का तरीका बताता हूँ। देखें सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और लेस को रोक देना है लपकी सिलाई से। सिलाई अब खूबसूरती से लगानी है, आपने सिलाइयों का काम स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम खूबसूरत सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमने चौड़ी पतली नहीं करनी। देखें इस एक सिलाई से ये लेस हमारी कवर हो चुकी है और ये एंकर का धागा, लाइट स्किन कलर की ये लेस है, लाइट स्किन फ्लावर है, लाइट स्किन ही ये मैंने ऑर्गेन्जा का धागा लिया, इसको सिंगल हमने मशीन पर लगाया और यहाँ पर हमने ये जो इसकी पत्तियां कटिंग की थी, पत्तियों पर बिल्कुल लप पर हमने पहली सिलाई लगानी है इसकी। देखें यहाँ पर बहुत सफाई से लगानी है आपने, ये सिलाई बिल्कुल लप के किनारे पर लगे, यहाँ पर कोई चौड़ा पतला आपने दबाव को नहीं करना। अब ये देखें एक सिलाई लग गई, अब दूसरी सिलाई हमने सिलाई से बिल्कुल मिलाकर लगानी है, यानी कि सिलाई से बिल्कुल चिपकाकर हम सिलाई को लगाएंगे दूसरी सिलाई को, बिल्कुल धागे में कोई गैप नहीं देंगे हम इसके, बिल्कुल चिपका चिपका कर सिलाई लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शहजाद भाई दो धागे कर एक साथ ही सिलाई लगाते, तो नहीं, वो फिर सिलाई मोटी हो जाती, हमने सिलाई को थोड़ा फैला हुआ दिखाना है तो इस वजह से सिंगल सिंगल करके ये मैं सिलाई लगाई है मैंने सिंगल टाके से, और सिंगल ही आपने लगानी है। देखें इस तरह ये डबल
सिलाई मैंने इस पर कर दी। नोट करें, देखें थोड़ा मोटी मोटा अब ये सिलाई हो चुकी है, मोटी मोटी सी दो सिलाइयां एक साथ होकर। इन सब पत्तियों पर हमने इस जगह ऐसे ही यहाँ पर सिलाई को लगाना है, बहुत सफाई से लगानी है, खूबसूरती के साथ लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखें बिल्कुल इस तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे और फिर इस सिलाई के बराबर में दूसरी सिलाई, फिर से नोट कर लें सिलाई, एक सिलाई से दूसरी सिलाई में कोई गैप ना हो, बिल्कुल चिपक कर सिलाई चले इस तरीके से। फिर आप नोट कर लें, देख लें इसको, ये आखिरी पत्ती आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखी है एंड में, ताकि मैं आपको आखिरी पत्ती भी ये दिखा दूं इसकी कि किस तरह, देखें मैंने इस पर सिलाई लगाई है, सारे एक साथ मैंने सिलाई लगाई। अब इनके टाकों को हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और ऑर्गेन्जा की कटिंग देखें अब हमने कहाँ से करनी है, शोल्डर से रखी हमने बराबर और अब ये बुकरम के साथ साथ हमने इसको सिर्फ ऑर्गेन्जा ऑर्गेन्जा की कटिंग करनी है, ये नहीं निकलेगा। आप चाहे सूट को कितनी बार भी धोलें बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। नोट करें, देखें कितनी खूबसूरती से यह गला बन चुका है। ये था इस गले को बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका जो आज मैंने आपको बताया है। तो कैसा लगा आपको तरीका, बना के ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।